जरूरी नहीं है यही शॉट हो, तो इसकी टेक्निक है जो हम आगे सिखाएंगे आपको। पर जैसे ये देखो, ये बीप दे रहा है क्या यहाँ पर भाई? पांच से कम किसी ने नहीं रहना चाहिए, है ना? पांच से कम कोई नहीं रहेगा। तो ये बहुत स्लो गर्म हो रहा है। आईसी दोनों मिल गए, मेरी आईसी खत्म हो गई, मतलब पांच बार हो गए। हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच, यस सर। और आप समय देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा भाई? 8 बजे। सवेरे क्लास कितनी बजे थी आपकी? 8 बजे की। कितनी बजे आए थे आप घर से? 8 बजे। उठे कब थे आप? 6 बजे। 6 बजे उठने के, 6 बजे आप उठे तो आप क्लास कितनी बजे आए? 8 बजे आए। 8 बजे से क्लास थी हमारी। आज काय की क्लास थी? सवेरे मॉर्निंग में, मॉर्निंग का जो हमारा सेशन हुआ, रिबॉलिंग की क्लास थी। किसने किसने रिबॉलिंग करा यहाँ पर? सबने किया। आपने रिबॉलिंग कितनी बार किया? 6 बार किया सर। 6 बार किया जी। आपने रिबॉलिंग कितनी बार किया? आपने 5 बार। आपने 9 बार। आपने 5 बार। उधर बता दो भाई, कहाँ से आप? नेपाल से। नाम बता दो। विशाल। विशाल। आप? मैं जिला अमरोहा हितेश कुमार। मैंने 6 बार करी आज। 6 बार करी? तो पहले दिन में संभव है क्या रिबॉलिंग करना? मतलब जो फ्रेशर बच्चे, आप इसके पहले करते थे क्या? नहीं सर। कहाँ सीखा आपने? तो कोई भारी काम बताया आपको? नहीं सर। आपको कितनी बार बताया यहाँ पे रिबॉलिंग करना? 1 time, 20 बार बताया आपको? ये बताओ यहाँ पे एक्सप्लेन कितनी बार किया और उसके बाद कितनी बार में कर दिया आपने? 1 time में सर। तो कैसी मेथड लगी यहाँ पे? बहुत ही टफ मेथड बताई क्या आपने? नहीं सर। बताओ मेरे को, किसी को लगी हो टफ? नहीं सर। कोई करने में असक्षम हो? नहीं सर। अभी ऐसा बच्चा मेरे को एक बताओ मेरे को कि जिसने एक बार भी रिबॉलिंग नहीं की? तो कोई मैजिक वेजिक है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं तो आप ये जनता गलत मानेगी इसको कि एक दिन में कैसा संभव है ये? नहीं सर। मतलब उतने किया है 4 घंटे की क्लास में, 3 घंटे की क्लास में आपने सब बच्चों ने रिबॉलिंग कर ली? जी सर। जी सर। जी सर। चार 3 घंटे की क्लास में सबने रिबॉलिंग कर ली? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। पक्का? पक्का। और फिर उसके बाद आपकी क्लास कब थी? 12 बजे। 8 से 11 क्लास थी। 8 से 11 के बाद कितने देर का ब्रेक था आपको? 20 मिनट, है ना? 20 मिनट 25 मिनट का आपका ब्रेक था, ठीक है? उसके बाद किसके साथ क्लास थी आपकी? देवरतन सर की। देवरतन सर को इसके पहले आपने कभी देखा था क्या? नहीं सर। पहली बार देखा? जी सर। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। बताओ मेरे को थोड़ा सा, एक थोड़ा डिटेल करके बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? देव सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ। हाँ, अगर बात करें आपको 2 कंपोनेंट बताए आज, कौन कौन से बताया? कैपेसिटर बताया, रजिस्टर बताया, पूरी डिटेल में मेरे पूरा डिटेल आया कि मतलब खाली ये बता दिया कि रजिस्टर का काम है? पूरा डिटेल चेकिंग करके सब कुछ बताया हुआ है। आप बताइए थोड़ा सा क्या क्या बताया आपको, बताइए रजिस्टर की डिटेल बताई कि नहीं बताई? हाँ सर, आज कंपोनेंट का क्लास था। हाँ, उसमें रजिस्टर जितने भी टाइप के सभी बताए हैं। सभी टाइप के रजिस्टर बताया आपको, और साथ में कैपेसिटर भी बताया। हाँ। तो जो उन्होंने डिटेलिंग की, वो डिटेलिंग में आपको महत्व मालूम हुआ कि कैपेसिटर का क्या महत्व होता है? जो डिटेलिंग आज बताया ना जी, वो हम आज से पहले मेरे को नहीं पता था। नहीं पता था? नहीं पता। तो कोई यहाँ पे YouTube वाला ज्ञान तो नहीं दे रहे ना? नहीं सर। मतलब YouTube पे जो नहीं सर वो मिल रहा है क्या? नहीं सर। YouTube वाला नहीं मिल रहा? नहीं सर। हर चीज की एक स्पेशल मेथड है, ट्रिक है यहाँ पे, जी सर, है ना? और हर चीज को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको, जी सर। और ये बताइए उसके बाद जब आपकी देव सर के साथ क्लास कब खत्म हुई? आपकी 11:30 बजे स्टार्ट हुई, उसके बाद कब खत्म हुई? 6 बजे। 6 बजे के बाद क्या हुआ था? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल में क्या किया आपने? जो कंपोनेंट, जो बताइए जरा, आपने कॉपी बताइए, जो कॉपी बताइए अपनी, सीधा करके कॉपी बताइए। आपने पीसीबी में से कितने रजिस्टर निकाले? मैं सर 20 रजिस्टर निकाला। 20 रजिस्टर निकाले, लगभग कौन कौन सी वैल्यू के थे वो? हाई वैल्यू की कुछ थी, कुछ लो वैल्यू की थी, कुछ जीरो वैल्यू की थी, जो फ्यूजिबल रजिस्टर बोलते हैं। आपने कौन कौन सी वैल्यू के निकाले? 10 निकाले सर। 10 निकाले, जिसमें से 10 में से 10.5 हाई वैल्यू के थे या लो वैल्यू के भी थे? LVR भी थे। 6 हाई वैल्यू के थे और लो वैल्यू के 4 थे। हाँ, और आप बताइए आपने कितने निकाले? सर मैंने 6 कड़ा सर।
छह निकाले आपने, लो वैल्यू हाई वैल्यू दोनों के, आपने कितने निकाले? हमने भी सात निकाले। नाम क्या थोड़ा बताइए? शेख मोहसिन। शेख मोहसिन कहाँ से भाई? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। महाराष्ट्र। तो मोहसिन आपसे रिबॉलिंग कितनी बार किया आपने? मैंने छह बार किया सर। ईमानदारी से? हाँ सर। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। वन टाइम में हुआ टाइम में? इसके पहले कर पाते थे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाते थे सर। इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है कि जो एक दिन में रिवॉल्विंग सिखा सकता है? नहीं सर। है क्या? नहीं सर। आप बताइए आपने कितनी बार किया? छह बार सर। आपने? छह बार सर। आपने? छह बार सर। आपने? आपने? दो बार सर। और आज कंपोनेंट की क्लास थी इधर, आपने कंपोनेंट कौन कौन से निकाले अभी? अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको रजिस्टर समझ में नहीं आया हो, जो वैल्यू नहीं निकाल सकता हो, मल्टीमीटर पर रीड नहीं कर सकता हो, कोई भी है ऐसा क्या? नहीं सर। है कोई? नहीं सर। कोई हो तो बताओ भी मेरे को। नहीं सर। सस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं, रियल दे रहा हूँ और ये लाइव दे रहा हूँ, ये आपके साथ पूरी भारत की जनता देख रही है, इसको लाइव देख रही है, लाइव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप बताओ अगर किसी को नहीं आया हो तो। नहीं सर। बात करें रिवॉल्विंग की, बात करें कैपेसिटर की, बात करें रजिस्टर की, रजिस्टर के सारे टाइप की, सारे टाइप के। आपने थर्मिस्टर चेक किया यहाँ पर अभी? जी सर। चेक करा? जी सर। थर्मिस्टर चेक किया ना? जी सर। आपने चेक किया? जी सर। आपने चेक किया? लाइव प्रैक्टिकल खुद से किया आपने? जी सर। इससे पहले तो थर्मिस्टर के बारे में जानकारी ही नहीं थी। अच्छा तुमको बताओ मेरे को, थर्मिस्टर एक बहुत हार्ड वाली चीज थी, तो कितनी कितनी सरल मेथड कर दी आप? मेथड बताना नहीं है यहाँ पर, है ना, यूट्यूब पे। बच्चा भी कर सकता है? बच्चा भी थोड़ा अपना अनुभव बताइए आप। आप अपना अनुभव बताइए जी। थर्मल इसका तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा, पहले तो जानकारी नहीं थी इसके बारे में, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। नहीं सर। नहीं सर। बताओ कोई कोई सीख के आया था क्या अपने साथ? नहीं सर। कंपोनेंट कंपोनेंट को का देखने का नजरिया बदला आपका? पीसीबी सर। अभी देखते ही हमन पहचान सकते हैं ना? जी सर। लगा हुआ रहता था वो मालूम नहीं था हम लोग सर। रजिस्टर तो हम चुटकी में निकाल पहचान पाएंगे और निकाल भी पाएंगे, और थर्मिस्टर को भी चुटकी में हम वेरी गुड निकाल पाएंगे। अच्छा कैपेसिटर को हमने दोनों तरीके से देखा, पीसीबी में क्या भूमिका होती है और ओपन क्या भूमिका होती है बाहर निकाल के। जी सर बिल्कुल समझा हमने। जी सर। अगर फॉल्टी होगा तो उसकी रीडिंग क्या होगी और सही होगा तो उसकी रीडिंग क्या होगी? अभी कोई किसी को डाउट है क्या इसके बारे में? नहीं सर। ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज जो एशिया टेलीकॉम में आपको लगी हो थोड़ा बताइए आप मेरे को। बहुत अच्छी चीज, एक दिन का अनुभव, बहुत अच्छी चीज, बहुत सभी सभी टीचरों को हार्ड, बहुत हार्ड वर्किंग है। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसा बच्चा आ सकता है? टेक्निक सर, टेक्निक बहुत इजी, ट्रिक बहुत इजी, ट्रिक और सर का जो लेक्चर आ सकता है और हीरो बन के जा सकता है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर कोई आराम करने वाला बंदा चार या छह घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, अगर वो आए तो पढ़ सकता है क्या यहाँ? नहीं सर। यहाँ पर केवल मेहनत करने वाला आ सकता है, जो हार जिसको जेनून हो बस वही आ सकता है। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? इसामुद्दीन। इसामुद्दीन, इसामुद्दीन इसके पहले क्या करते थे तुम? इसके पहले मैं घर पे रहता था, इसके पहले दुकान वगैरह कहीं काम। तुमने आज तक मोबाइल खोला क्या? नहीं सर। आज क्या किया आपने ईमानदारी से बताओ? आज मैं रिवॉल्विंग किया, थर्मिस्टर चेक किया और रजिस्टर चेक किया, कैपेसिटर चेक किया। तो इसमें कुछ फंसे क्या आप? नहीं सर, एक भी नहीं फंसे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पहले दिन की क्लास, जिसमें आप देख रहे होंगे मॉर्निंग 8 बजे से रात के 8 बजे तक, ये भी मॉर्निंग की क्लास है 8 बजे, जहाँ पे हर स्टूडेंट से यहाँ पर रिबॉलिंग करवाई जा रही है। और रिबॉलिंग का जो हमारा टारगेट है वो आपने शुरू में सुनी लिया होगा कि हर स्टूडेंट से तकरीबन 5 बार आपको आईसी रिबॉल करके यहाँ पे देनी है। और ये सिर्फ 5 बार की बात नहीं है, स्टूडेंट यहाँ पे 15-15, 20-20 बार करते हैं, और एक ही आईसी नहीं, आईसी बदल बदल के रिबॉल करते हैं। तो पहला हमारा उनका टारगेट ये रहता है कि उनको रिबॉलिंग इतनी परफेक्ट सिखा दे कि वो वन टाइम में रिबॉल कर सकें। आते साथ ही मतलब पहले दिन के शुरुआत में ही वो रिबॉलिंग अपनी डन कर दें, ताकि वो पूरे महीने भर उनको रिबॉलिंग का झंझट ना हो कि सर मेरे को रिबॉलिंग नहीं आ रहा है या सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और आज हमारा पहला दिन है जिसमें हमने उनको ईएमएमसी रिबॉल कराना सिखाया है। कल हमारे जो दूसरे दिन के आप देखेंगे वीडियो में, जहां हम उनको सीपीयू और पावर आईसी 4G के हम उनको वो भी स्टेंसिल, यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करना सिखाएंगे। ये तो ये आप हमारा आउटपुट फेसबुक में लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हमारी जो क्लास हुई है वो हमारी थ्योरी की क्लास हुई है, जो कंपोनेंट की क्लास हुई है। आप देखिए हर एक बच्चे के पास में उसका खुद के टूल्स, माइक्रोस्कोप, जो सेटअप आपको एशिया टेलीकॉम में देखने को मिलेगा वो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में शायद ही देखने को मिले। ये हमारी थ्योरी क्लासेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डीपली लेवल पर स्टूडेंट को DSO के साथ में, कि जहाँ उनको DSO यूज़ हो सकता है वहाँ उनको DSO के साथ में हम उनको एक एक कंपोनेंट, एक एक
कॉम्पोनेंट के साथ में एक एक लाइन उनको हम क्लियर कट यहाँ पर उनको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर कॉम्पोनेंट की जानकारी कि कॉम्पोनेंट किस लाइन पर लगा हो सकता है, अगर क्या फॉल्ट हो सकता है, कॉम्पोनेंट के डीपली लेवल पर जो जिसमें आज हमने उनको रजिस्टर और कैपेसिटर बताया है। चलिए आज हमारी पहले दिन की क्लास हुई है और सुबह इनका रिवॉल्विंग, फिर दोपहर में इनका कॉम्पोनेंट, आज अब वही चेक कर रहे हैं, शाम की क्लास है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इनको दिखाते हैं स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर चेक कर रहे हैं, कैपेसिटर चेक कर रहे हैं। आज किसी क्लास हुई जी? कॉम्पोनेंट्स क्लास। कॉम्पोनेंट्स क्लास हुई, समझ में आई? ओके। क्या कर रहे हो? रजिस्टर चेक कर रहे हो? चेक कर रहे हैं। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। रजिस्टर चेक कर रहे हैं जी सर, लो वैल्यू और हाई वैल्यू चेक कर रहे हैं। ओके। क्या कर रहे हैं भैया? रजिस्टर चेक कर रहे हैं सर। रजिस्टर चेक कर रहे हैं, चेक करते आ रहे हैं। हाँ सर। कोई डाउट नहीं सर। ओके। क्या कर रहे हैं भैया? रजिस्टर चेक कर रहे हैं सर। रजिस्टर चेक कर रहे हैं। आज कॉम्पोनेंट समझ में आई है आपको? पहले दिन क्लास कैसी लग रही है अभी? बहुत बढ़िया सर। समझ में आ रही सारी चीजें? ओके। क्या कर रहे हो? रजिस्टर निकाल रहे हैं सर। रजिस्टर निकाल रहे हैं, उसका मान चेक कर पा रहे हैं? हाँ सर, वैल्यू चेक करके निकाल रहे हैं। ओके। आप क्या कर रहे हो? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। पता चल रहा है? हाँ, वैल्यू निकाल पा रहे हैं। हाँ, निकाल पा रहे हैं। ओके। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर वैल्यू चेक कर रहे हैं। रजिस्टर की वैल्यू चेक कर पा रहे हैं? जी जी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर निकाल रहे हैं। रजिस्टर निकाल रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं? जी सर। आप क्या कर रहे हो? सर रजिस्टर निकाल के चेक करके निकाल रहा हूँ। रजिस्टर चेक कर पा रहे हो? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर। कैसी रही आज की क्लास? एकदम अच्छी सर। समझ में आई? जी सर। ओके। आप क्या कर रहे हैं? आज जो पढ़ाया गया वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है? जी सर। ओके। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर चेक। रजिस्टर चेक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर का वैल्यू निकाल रहा था। रजिस्टर की वैल्यू चेक कर पा रहे हैं? हाँ, कर दिया। कर भी दिया। कोई दिक्कत आ रही इसमें? नहीं। आप क्या कर रहे हो? सर रजिस्टर की वैल्यू चेक कर रहे हैं। रजिस्टर की वैल्यू चेक कर पा रहे हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं एक बार पूछने में आपको दोबारा नहीं बता रहे? बता रहे सर। हेल्प मिल रही है? नहीं सर, 5-6 बार बता रहे हैं। ओके। प्रैक्टिकल क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही? आप क्या कर रहे हैं? सर रजिस्टर निकाल रहे हैं वैल्यू चेक करके। चलिए ठीक है, एक निकाल लिया। ओके। क्या कर रहे हैं आप? रेजिस्टेंस की वैल्यू देख रहे हैं। रेजिस्टर वैल्यू चेक कर पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, लग रही है। ओके। आप क्या कर रहे हैं? हाई वैल्यू पर निकाल दिया सर, लो वैल्यू पर निकाल रहा है। हाई वैल्यू निकाल दी, हाई वैल्यू लो वैल्यू सीरीज में पैलर में लगा सब चेक कर पा रहे हैं? जी जी। वैल्यू देख सकते हैं। कैसी रही ओवरऑल आज की क्लास? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सर ऐसे? आज तो पहला दिन है आपका। जी जी। चलिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं, कॉम्प्लेंट चेक कर रहे हैं। आज पहले दिन थी कॉम्प्लेंट की क्लास। सुबह क्या करा गया था? क्या कर रहे हैं आप? चेकिंग कर रहे हैं सर कंपोनेंट की। चेक कर पा रहे हैं ये? जी जी। क्या कर रहे हैं आप? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। कंपोनेंट चेक कर रहे हैं जी सर। चेक करके निकाल रहे हैं जी सर। चेकिंग में कोई दिक्कत? क्या कर रहे हैं आप? सर कंपोनेंट कर रहे हैं सर। कंपोनेंट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं एक बार समझा दिए फिर आपको नहीं बताया जा रहा? समझा रहे हैं। समझा जा रहा है, प्रॉपर हेल्प की जा रही है? हाँ सर। ओके। और जो सर ने पढ़ाया था सर ने वो मिल रहा है आपको? प्रैक्टिकल मिल रहा है। ओके।
आप क्या कर रहे हो? रजिस्टर निकाल रहे हैं। रजिस्टर निकाल रहे हो, चेक करके निकाल रहे कैसे? चेक करके वैल्यू देख, हाई वैल्यू लो वैल्यू चेक कर पा रहे? हाँ। ओके, आप क्या कर रहे हो? सर रजिस्टर निकाल रहा हूँ। चलिए ठीक है, निकाल लो। आप क्या कर रहे हो? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। रजिस्टर चेक कर पा रहे हैं? पहचान पा रहे हैं? हाँ। ओके, आप? सर रजिस्टर निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं? चेक कर पा रहे हैं? चेक कर रहे हो? रजिस्टर निकाल रहे हैं। चेक कर पा रहे हो? चेक कर पा रहा हूँ सर। ओके, आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर चेक कर पा रहे हैं? जी सर। आप क्या कर रहे हो? रजिस्टर निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं, चेक करके निकाल रहे हैं कैसे? चेक कर रहे हैं। समझ में आ रही सारी चीजें? तो हमारी ये डेली, ये आज हमारी पहले दिन की क्लास है और आप ऐसे ही दीपक सर हमारे, और आप ऐसे डेली का डेली देखेंगे, डे बाय डे इनका जो भी काम होगा वो आउटपुट में आपको दिखाया जाएगा, सुबह भी, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आपको सारा इनका प्रैक्टिकल और आपकी जो थ्योरी की क्लास है वो सब आपको दिखाया जाएगा। तो आज इनकी पहली क्लास थी 28 अक्टूबर की। थैंक यू।